नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन जमा करने का दौर जारी है। चुनाव आयोग से 6 नवंबर नॉमिनेशन भरने की अंतिम तिथि तय की गई है। आज शुक्रवार को मुंडावर रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बटगुजर के समक्ष भाजपा प्रत्याशी मंजीत चौधरी व कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुंडावर SDM प्रियंका बटगुजर ने बताया कि अब तक मुंडावर से आम आदमी पार्टी से अनीता चौधरी, बीजेपी से मंजीत चौधरी, कांग्रेस से ललित यादव ने नामांकन किया है। हालांकि निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम व्यवस्थाओं एवं कानून की कड़ी अनुपालन के तहत काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ है, लेकिन आचार संहिता का कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर उल्लंघन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा SDM कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पट्टा गले में डाला रखा, जिसके बाद प्रशासन ने किसी भी अधिकारी के द्वारा उन्हें नहीं टोका। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद कार्यकर्ता के गले में बीजेपी के पट्टे उतरवाए गए। प्रशासन के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया के दौरान मीडिया कर्मियों को एंट्री नहीं दी गई। मीडिया कर्मी भी आम जनता की तरह गेट के बाहर खड़े रहे। भाजपा प्रत्याशी मंजीत चौधरी ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान कस्बे के मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के द्वारा कोई कार्यकर्ताओं की भीड़ साथ लेकर के आए, केवल लोगों के साथ नामांकन प्रक्रिया किया।